Good morning, all of you. Are you hear me? Vittal? Vittal? हाँ विट्ठल आवाज पहुंच रही है? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई हैव डिस्कस रिलेटेड टू पावर स्क्रू। What is the efficiency of power screw? Which type derivation related to power screw? These are syllabus. Already I have shared with you. In sixth number, you can see that second chapter power screw like lead screw, screw jack. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे screw jack के बारे में discuss करेंगे। Screw jack में maximum efficiency कितनी होती है screw jack की? उसका डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि स्क्रू जैक है क्या। द पावर स्क्रू या स्क्रू जैक, ठीक है ना? द पावर स्क्रू आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन स्क्रू आर यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इन टू ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पर मैंने ग्राफ शो कर रखा, ग्राफ करें डायग्राम शो कर रखा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, नट है, इसमें भी थ्रेड है। ये वर्टिकल कॉलम जो है हमारा, ये पूरा का पूरा क्या है, बोल्ट टाइप का है। इसमें थ्रेड बने हुए हैं, देखिए थ्रेड बने हुए हैं, ये सारे थ्रेड बने हुए हैं। तो क्या होगा कि ये जब रोटेट करेगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये बोल्ट जो है, ठीक है ना, ये पूरा जो रॉड पे थ्रेड बने हुए हैं, रोटेट करेगा तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं नीचे आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन हेड बना हुआ है, हेड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, इसमें कुछ इस तरह का पोजिशन होता है, इस तरह से कोनिकल शेप का होता है, ये कोनिकल शेप का है, कॉलर लगा हुआ है, ये कॉलर है, रोटेट कर सकता है। देखो इस पोर्शन पे क्या है, लोड। सपोज करो ऊपर से कोई लोड लगा रहे हैं, उसको रेज करना है। जैसे आपने ट्रक्स वगैरह में जब भी रिपेयरिंग वगैरह करना होता है, या तो मान लो व्हील को, चक्के को बाहर निकालना होता है शाफ्ट से, तो क्या करते हैं, पीछे नीचे जो एक्सल होता है उस पे लगा के इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो पोर्शन क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो इधर से क्या होता है, जो व्हील होता है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, हैंगिंग पोजिशन में आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं, व्हील को निकाल लेते हैं। ट्रक वगैरह में यूज करते हैं, किसी भी ऑटोमोबाइल में यूज करना है, फोर व्हीलर्स वगैरह में, इस तरह से इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट जो व्हील की कराई जाती है। मान लो पंचर हो गया, तब निकालना है, ठीक है ना, व्हील को उस जगहों पे इसका स्पेसिफिकेशन सबसे ज्यादा है, वहां पर एप्लीकेशन करते हैं। इससे केवल यही काम लेते हैं कि लोड को रेज करना है, लोअर करना है, लोड को उठाना है और नीचे लाना है। तो यहाँ पे लिख रखा है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये रोटेट करेगा तो नीचे जाएगा, तो लोड हमारा नीचे आएगा। ये रोटेट करेगा, सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, लोड ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, लोड हमारा नीचे की तरफ आएगा। देखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लीड स्क्रू ऑफ लेथ, लेथ में भी लीड स्क्रू होता है, द रोटरी मोशन इज अवेलेबल बट टूल हैज टू एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग अगेंस्ट द कटिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो सीधी सी लीड स्क्रू यूज होता है, ठीक है ना, इसमें लेथ में, और क्या होता है, कटिंग एक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस मेटल पे डेवलप होता है, ठीक है। इन केस ऑफ जैक, स्क्रू जैक, हम स्क्रू जैक के बारे में बात कर रहे हैं, और स्मॉल फोर्स अप्लाइड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अप्लाई हो रहा है, ये लीवर है हमारा, ये हाथ से पकड़ोगे रोटेट कराओगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा, ठीक है ना। जैसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यही कह रहा है यहाँ पे। इन केस ऑफ स्क्रू जैक स्मॉल फोर्स अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कराना है, ठीक है ना, टू रेज आर लोअर अ लोड।
में भी हो सकता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो तो लोड नीचे की तरफ आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज कराओगे तो लोड ऊपर की तरफ जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना। पावर स्क्रू आर आल्सो यूज्ड इन वाइसेस में यूज होता है, प्रेस वगैरह बड़ी प्रेस जो होती है वहां पे यूज होता है। थर्ड पॉइंट है द मोस्ट ऑफ पावर स्क्रू द नट हैज एक्सियल मोशन। देखो ये नट है, नट क्या है हमारा, हो सकता है इसमें कि नट एक्सियल मोशन में ऊपर की तरफ जाए तो जाएगा ही, सीधी सी बात है एक्सियल मोशन में। सपोज करो नट रोटेट कर रहा है तो रोटेट करेगा नट और ऊपर की तरफ भी जा सकता है इस पे थ्रेड के ऊपर। इन सम स्क्रू द स्क्रू रोटेट एंड मूव्स एक्सियली अगेंस्ट द रेजिस्टिंग फोर्स। तो सीधी सी बात है मैंने बताया कि अगर रोटेट कराते हैं इसको, ठीक है ना, ये वाला ऊपर जो हैंडल लीवर है, ठीक है ना, उसके बाद एक कॉलर है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये पोर्शन लोड है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराएंगे तो ऊपर की डायरेक्शन, इसमें रोटरी और ट्रांसलेटरी दोनों साथ साथ में होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। क्यों? क्योंकि क्या रोटेशन होगा तभी ट्रांसलेशन होगा, इसलिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। कोई भी रोटेट कर सकता है, सपोज करो नट रोटेट करेगा तो एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ये जो पिलर बना हुआ है रॉड जो है हमारे पास जिसे बोल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, ये स्थिर हो सकता है, ठीक है ना, स्टेशनरी हो सकता है। नट रोटेट करेगा तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, बढ़ सकता है। नट हो सकता है स्टेबल हो, ये वाला जो हमारा रॉड है जो हमारा बोल्ट है ये एक्सियल मोशन कर सकता है, रोटरी होगा फिर एक्सियल मोशन कर सकता है, तो कोई एक स्थिर होगा दूसरा मूव करेगा, ठीक है ना, तो दूसरा मूव करेगा उसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा। आपको मैंने ये बता दिया, चार पॉइंट जो दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये थ्योरी का पार्ट है, आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखो इसमें जो पावर स्क्रू जो है, पावर जैक, पावर स्क्रू जो है, इसमें कौन कौन से टाइप के थ्रेड यूज होते हैं। तो पहला तो स्क्वायर थ्रेड यूज होता है, दूसरा एकेम थ्रेड यूज होता है, तीसरा बटरेस थ्रेड यूज होता है। तो स्क्वायर थ्रेड ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं हमारे साथ, स्क्वायर थ्रेड में देखो ये जो हमारे टीथ है वो स्क्वायर टाइप के है, देखो यहाँ पे ये हाइट जो है इसकी और साथ साथ में जो इसकी थिकनेस है दोनों सेम होगी तभी स्क्वायर कहलाएंगे। देखो ये लेंथ और ये लेंथ स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। पिच क्या होता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है ना, ये दे रखा है ऑलरेडी मैंने बताया इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करना है आपको। तो अ स्क्वायर थ्रेड शोन इन फिगर, ये फिगर में स्क्वायर थ्रेड है, इज अडॉप्टेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। दिस थ्रेड रिजल्ट्स इन मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसमें ये जो स्क्वायर थ्रेड है इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है। मिनिमम रेडियल आर बस्टिंग प्रेशर ऑन नट, जो नट लगा हुआ था उस पर कम प्रेशर आता है क्योंकि ऑलरेडी थ्रेड क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड है, स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, कॉर्नर्स पे वीक होता है, ठीक है ना, वैसे तो ये थिकनेस इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो ये स्ट्रांग होगा अदर थ्रेड के रिस्पेक्ट में स्ट्रांग होगा। इट इज डिफिकल्ट टू कट विथ ए टैप एंड डाई, टैप एंड डाई से कट करके इस थ्रेड को इजिली नहीं बना सकते, ठीक है ना, ये इजिली नहीं बन पाएगा। इट इज यूजली कट ऑन अ लेथ विथ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, लेथ पे बनाई जाती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है ना। इट कैन बी इजिली कंपनसेट फॉर ए वियर, सीधी सी बात है वियर रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा, ठीक है ना, कैन नॉट बी इजिली कंपनसेट फॉर ए वियर, ठीक है ना, कैन नॉट है, ठीक है। द स्क्वायर थ्रेड आर इम्प्लॉयड इन स्क्रू जैक में यूज होता है, प्रेसेस में यूज होता है, जहां पे हाई लोड, हाई एफिशिएंसी का मतलब इसका जो हमारे पास मैकेनिकल एडवांसेड है ज्यादा होगा। क्लैंप डिवाइसेस, जहां पे क्लैंपिंग डिवाइसेस यूज होती है वहां पे यूज किया जाएगा। और इस तरह के थ्रेड के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है IS 4694 से लेकर के 1968, ठीक है ना, टेबल दिया होता है मशीन डिजाइन की जो डेटा डिजाइन बुक है उसमें सारे मेंशन होंगे, ठीक है, कितनी पिच होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए थ्रेड की, स्क्वायर थ्रेड की कौन सी लेनी है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, पिच कितनी होनी चाहिए। सपोज करो आपको लेथ में लगानी है तो लेथ के लिए पिच अलग होगा, ठीक है ना, और आपको जैसे आप लोड को रेज करना है, लोअरिंग करना है, ऑटोमोबाइल में यूज करना है
तो वहां पे क्या होगा थ्रेड की पिच और हाइट, ठीक है ना, ये दिया हुआ है जो थ्रेड की थिकनेस और पिच कितनी होनी चाहिए, तो अलग अलग हो सकती है, बट ये स्ट्रक्चर जो होगा थ्रेड का ऐसे ही होगा, स्क्वायर टाइप का। दूसरा आता है ट्रेपेजॉइडल थ्रेड या एकेम थ्रेड। देखो ये मॉडिफिकेशन है किसका, स्क्वायर थ्रेड का। देखो यहाँ पे स्लोप दे दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसके बारे में, डिफरेंट है। इनके बीच का जो एंगल होता है, दो फ्लैंक के बीच का एंगल 29 डिग्री, ठीक है ना, थ्रेड एंगल जो होता है। इसकी इफिशियंसी थोड़ी कम होती है स्क्वायर थ्रेड के रिस्पेक्ट में, स्लोप दे देते हैं, तो स्लोप देने से क्या होता है, जैमिंग की कंडीशन थ्रेड के बीच में, जो नट और बोल्ट के बीच में जो जैमिंग होती है वो नहीं होती है, ठीक है ना, तो कॉर्नर्स पे ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्लोप होता है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे स्लोप होता है, कॉर्नर्स नहीं दिया जाता है। तो लिखा है द स्लाइट स्लोप गिवन टू इट्स साइड्स लोअर द एफिशिएंसी स्लाइटर देन द स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड के रिस्पेक्ट में इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, एंड इट आल्सो इंट्रोड्यूस सम बस्टिंग प्रेशर ऑन द नट। स्क्वायर थ्रेड में जो बस्टिंग प्रेशर है या तो रेजिस्टिंग प्रेशर है वो कम आता था इस पे, नट पे, इसमें ज्यादा आता है, बट इसमें सीयर एरिया क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देखो स्लोप बनाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल जो लेंथ मिलेगी इसके रिस्पेक्ट में, ये वाली लेंथ जो होगी ज्यादा होगी, तो सीयर एरिया बढ़ जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड वेयर स्प्लिट नट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जहां पे स्प्लिट नट यूज होता है। देखो ये डायग्राम में स्प्लिट नट यहाँ पे भी शो कर रखा है, यहाँ भी शो कर रखा है, अलग अलग हो जा रहा है, देखो यहाँ पे हाफ अप पोर्शन, हाफ नट भी कहते हैं। तो इस तरह के थ्रेड में हम क्या करते हैं, इस तरह की थ्रेड बनाते हैं, केम थ्रेड या ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, इस तरह की नट में हम क्या करते हैं, इस तरह की थ्रेड बनाते हैं। लिखा एंड वेयर प्रोविजन इज मेड टू टेक अप वियर एज इन लीड स्क्रू ऑफ द लेथ। देखो ये लेथ में लीड स्क्रू यूज होता है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो आपको शेयर करने वाला हूँ अभी, ठीक है ना, इस तरह से एक्सियल मूवमेंट होता है स्प्लिट नट में, ठीक है ना, अभी देखना है यहाँ पे। एंड ए केम थ्रेड में बी कट बाई मीन्स ऑफ डाई, डाई के थ्रू बनाई जा सकती है, एंड हेंस इट इज मोर इजिली मैन्युफैक्चर्ड देन द स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड के रेस्पेक्ट में इजिली इसको बना भी सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो को शो कर रखा है, उसे मैं दिखा रहा हूँ। ये स्प्लिट नट है, ऊपर जो नीचे वाला रेड पोर्शन है ऊपर पर्पल कलर है, ठीक है ना, स्प्लिट नट है, इस तरह का होता है, देखो हाफ नट भी बोलते हैं, इधर वाला ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है ना, इस पे लोड लगता है तो हल्का सा फ्लक्चुएट भी हो जाता है। देखो यहाँ पे ये हमारा है स्प्लिट नट, ऊपर जो ये हैंडल लगा हुआ है, हैंडल वाले पोर्शन के साथ ये नट लगा हुआ है, देखो रोटेट कौन सा कर रहा है, ध्यान से देखना, देखो ये जो रॉड है जिसपे थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है ना, बोल्ट टाइप का जो रॉड है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये रोटेट कर रहा है, और हमारा स्प्लिट नट ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन में आ रहा है, इसका उल्टा भी होता है, देखो यहाँ पे ओपन भी हो गया, ये देखो यहाँ पे ओपन भी हो गया, मतलब डिसइंगेजमेंट हो गया स्प्लिट नट में, इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है लेथ में यूज होता है। बटरेस थ्रेड, ये बटरेस थ्रेड जो है हमारे पास वो मॉडिफिकेशन है किसका, किसका, स्क्वायर थ्रेड का और आपका एकेम थ्रेड का। देखो इसमें एक पोर्शन देखो वर्टिकल मिल रहा है, ये प्लेन थ्रेड का, ये दूसरा इंक्लाइन, तो दोनों का कॉमन हो गया। अब बटरेस थ्रेड एज शोन इन फिगर, इस फिगर में देखो दिख रहा है एंगल जो दिया हुआ, फ्लैंक एंगल 45 डिग्री, हेलिक्स एंगल, इज यूज्ड वेयर लार्ज फोर्स एक्ट अलोंग द स्क्रू एक्सिस इन वन डायरेक्शन। इस तरह के थ्रेड केवल वन डायरेक्शन मोशन के लिए यूज किया जाता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होते हैं, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स जो होता है ज्यादा होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, अगर सपोज करो कि इधर से कोई फोर्स लगाना है तो उसको वियर करने की कैपेसिटी ज्यादा है इसकी एक्सियल फोर्स को। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, थ्री पॉइंट्स हैं, दिस थ्रेड कंबाइन द हायर एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड एंड द
इजी ऑफ कटिंग एंड द एडेप्टेबिलिटी टू स्प्लिट नट ऑफ ए केम थ्रेड, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में इफिशियंसी होती है, ठीक है ना, एक तरह से मान लो, और स्क्वायर थ्रेड के रिस्पेक्ट में इसकी इफिशियंसी यहाँ पे ज्यादा बता रहा है, ठीक है ना. इट इज स्ट्रॉन्गर देन अदर थ्रेड, अदर थ्रेड के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर थिकनेस एट द बेस ऑफ द थ्रेड. देखो बेस ऑफ थ्रेड जो है यहाँ पे ग्रेटर थिकनेस मिल रहा है, स्ट्रॉन्गर होगा, एक्सियल डायरेक्शन में जो भी लोड लगेगा आपका वो क्या करे, उसको वियर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी. वन डायरेक्शन के लिए क्योर यूज होता है, केवल लोड को क्योर रेज करना है, लोअरिंग नहीं करना है, या तो केवल लोअरिंग ही करना है. द बटरेस थ्रेड हैज लिमिटेड यूज ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ये यूज बहुत कम है, ठीक है ना. इट इज इम्प्लॉयड एज ए थ्रेड फॉर ए लाइट जैक स्क्रू एंड डिवाइसेस, लाइट लोड और डिवाइसेस के लिए यूज होता है, ठीक है ना. हाई लोड के लिए भी यूज हो सकता है बट केवल वन डायरेक्शन के लिए. हायर इफिशियंसी, देखो ये क्या है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है इसकी इफिशियंसी दोनों के बीच में होती है, किसके किसके बीच में, स्क्वायर थ्रेड और एकेम थ्रेड के बीच में होती है इसकी इफिशियंसी. अब देखो इसको इसके डेरिवेशंस हैं, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है, कितना आप एफर्ट लगा रहे हो, कि लोड क्या हो रहा है, रेज हो रहा है. जैसे आपने लीवर पढ़ा होगा, लीवर फर्स्ट काइंड लीवर, सेकंड काइंड लीवर, थर्ड काइंड लीवर, तो किसी में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है, किसी में ग्रेटर देन वन होता है, किसी में इक्वल टू वन होता है, वैसे इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है और यहाँ पे कितना एफर्ट लगाएं, फोर्स कितना लगाएं तो रोटेट होने के लिए, कि लोड हमारा इजिली क्या होगा, रेज हो सके या लोअरिंग हो सके. तो कुछ वीडियोज मैंने यहाँ पे शेयर कर रखे हैं आपके साथ, देखो इस तरह से रोटेट होगा. अगर लोड आप ऊपर लगा रहे हो, इस ऊपर लोड लगा रहे हो, तो देखो ऊपर चला जाएगा लोड, हो देखो लोड को रेज कर देगा. डाउन जैसे घुमाओगे, देखो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो लोड नीचे आ रहा है. इस तरह से भी हो सकता है, देखो इसका ये तो हमारे पास क्या है, कॉलर है ऊपर वाला, तो वीडियो ज्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है ना. ये हैंडल है, लीवर जिसे कहते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा के घुमाएंगे. ये नट है, ये नट है, ये पुरुषन नट है, देखो ये नट है, ये कॉलर है, ठीक है ना. ये रॉड है जिसमें थ्रेड बने हुए है, ये अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ है बेस में, ठीक है ना. ये लोड आपकी यहाँ पे आएगी, इस पोर्शन पे लोड आएगी, ऊपर से कोई लोड लगाया जाएगा. एक बार और देखो वीडियो, देखो अब लोड क्या होगा, रेज होगा. अब इसमें देखो नट केवल रोटेट कर रहा है, नट केवल रोटेट कर रहा है, हमारे पास जो, अब देखो नट रोटेट कर रहा है साथ साथ में, वो उसमें भी क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है. किसमें, जो हमारे पास रॉड सिलिंड्रिकल थ्रेड बना हुआ है, जो बोल्ट टाइप का बिहेवियर है उसका, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर थ्रेड यूज हुआ है, ये रॉड है, ठीक है, इसमें बना हुआ है. पिच आपको पता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे पिच कहते हैं, ठीक है. ये लोड लगाया हुआ है, इसने हेड पे लोड लगाया हुआ है, लोड यहाँ पे आएगा, इस पोर्शन पे लोड आएगा. ये देखो ये जो हमारे पास लीवर है, लीवर की कनेक्टिविटी सेंटर से लेकर के पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक होती है. ये पोर्शन थिक होता है, इसके अंदर पतली सी क्या है कि रॉड भी इंसर्ट हो जाती है, ये लोड यहाँ पे आता है. ये नट है, नट स्टेबल हो सकता है, पूरा पोर्शन घूमेगा, देखो नट अपने जगह स्थिर रहेगा, ये पोर्शन पूरा घूमेगा, ये पोर्शन पूरा घूमेगा. अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो नीचे आएगा ये पूरा रॉड, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो पूरा पोर्शन ऊपर जाएगा. तो यहाँ पे नट क्या है, स्थिर है, ठीक है ना. और ये जो रॉड है, रॉड में रोटेशन हो रहा है जिसपे थ्रेड बने हुए हैं. अब हमें क्या केस डिस्कस करना है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज लोड बाय ए स्क्वायर थ्रेड स्क्रू. कितनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी जो लोड है वो ऊपर की तरफ बढ़े, ऊपर उठ जाए, ठीक है ना. तो लिखा हुआ है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड बाय मीन ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू.
स्क्वायर थ्रेड स्क्रू है ये, मे बी डिटरमाइंड बाय द कंसिडरिंग ए जैक स्क्रू, मतलब कि एक जैक स्क्रू का एग्जांपल ले लेते हैं, द लोड टू बी रेज्ड और लोवर्ड इन प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द स्क्वायर थ्रेड रॉड, इसका मतलब ये है कि लोड जो लगा हुआ है ये हेड पे लगा हुआ है जो हमारा स्क्वायर थ्रेड वाला रॉड है, विच इज रोटेट बाई एप्लीकेशन ऑफ एन अफर्ड, अब ये लीवर पे फोर्स लगाएंगे तो रोटेट होगा, तो कह रहा है बाई एप्लीकेशन ऑफ अफर्ड, ठीक है ना, अफर्ड लगाओ तो रोटेशन होगा, एट द एंड ऑफ द लीवर, लीवर के एंड पे ही लगाओगे, हैंडल दूरी रहता है, फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग द लोड, ये लोड है या तो रेज होगा या तो लोअर होगा, ठीक है ना। तो पहला केस हम देखेंगे कि हमारा लोड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जरा एक बात और ध्यान देने की है, ये जो थ्रेड बने होते हैं, सपोज करो स्क्वायर थ्रेड की बात कर रहा है, बट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो स्क्वायर थ्रेड की जगह एक केम थ्रेड है, एक केम कह रहे हैं, हाँ केम थ्रेड है जिसमें ट्रेपेजॉइडल शेप का बना हुआ है, इस तरह से ट्रेपेजॉइडल शेप का टीथ बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड है, जरा ध्यान से देखना है, ये जो थ्रेड बनता है इंक्लाइंड ही होता है, ये पोर्शन इंक्लाइंड है और ये पोर्शन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये देखो ये लाइन जो हमारी पास है ये थ्रेड जो होगी इंक्लाइंड ही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये देखो आप ये लाइन खींचती मैंने और एक लाइन ये खींचती, अभी लोड आ रहा है आपका, ये लोड आ रहा है, तो लोड आएगा सपोज करो यहाँ पे लोड आ गया, तो देखो इंक्लाइंड प्लेन पे लोड आ रहा है, ये लोड जो आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है और ये एंगल जो हमारा है अल्फा है, हेलिक्स एंगल है, ठीक है ना, थ्रेड एंगल जो है अल्फा, ये इंक्लाइंड देखोगे, देखो ये पोर्शन इंक्लाइंड होके जा रहा है नीचे की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल अल्फा मिलेगा आपको, ये थ्रेड एंगल है, ठीक है ना, अल्फा हेलिक्स एंगल ले लिया मैंने, लोड देखो अब इसको ये कंसीडर करेंगे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई लोड रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, अब ये क्या रहा है, जब कभी नीचे जा रहा है और कभी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया लोड लग रहा है, सपोज करो हमने पूरे पोर्शन को ये जो रॉड बना हुआ है स्क्वायर थ्रेड बना हुआ है इसको रोटेट कराया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, और ये लोड हमारा जो अनलोड कर रहा है, ये जो लोड है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, घुमाएंगे पूरे पोर्शन के इस तरह से तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट लोड जो होता है हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड वर्क करता है, ये तो ऊपर से लोड तो नीचे ही डाउनवर्ड कर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो डब्ल्यू को नीचे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो क्या है, लोड लग रहा है इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है इस सरफेस और लोड के बीच में फ्रिक्शन भी होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ऐसे ऊपर उठ के नहीं जाएगा, ये देखो सरफेस पे स्लाइड करते करते ऊपर जाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, अब वेट नीचे आएगा, तब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर्ड बाय लोअर लोड बाय स्क्वायर लोअर नहीं अपवर्ड, ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक हो गया, ऊपर जो हेडिंग यूज हुआ था वो ज्यादा सही है, तो लोड ऊपर जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये लोड है इंक्लाइंड प्लेन है ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अल्फा एंगल आपको बता दिया मैंने क्या है, हेलिक्स एंगल है, वेट डाउनवर्ड काम करेगा, तो ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये अगर ये लोड है हमारा तो लोड पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल एक्ट करेगा आर्यन, ये जो दिशा कर रखा है, अब एक लाइन इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल अल्फा होगा, अल्फा होगा एंगल, तो ये लोड डब्ल्यू है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इधर लिख रखा है इन्होंने, मैं इधर लिख लूंगा तो डब्ल्यू साइन अल्फा, ठीक है ना, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में भी शो करते हैं, तो ये हमारा जो वेट है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक डब्ल्यू कॉस अल्फा और दूसरा डब्ल्यू साइन अल्फा इधर, अब ये लोड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उड़ के तो जाएगा नहीं, तो ये सरफेस पे स्लाइड करके ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आएगा, तो ये हाफ हाफ एरो बनाया हुआ है,
तो ये फ्रिक्शन फोर्स को बता रहा है। अब आप फोर्स लगा रहे हो, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे सर्कुलरली मान लो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है ना, तो रोटेट करा रहे हैं, अफर्ट लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो हम मानते हैं, देखो फोर्स जब लगाएंगे तो ये डायरेक्शन शो करेंगे फोर्स पे, इस पॉइंट पे इस फोर्स को पूरी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे प्लेन में, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में वैसे ही प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस तरह से ऐसे ही। तो ये लोड क्या हो गया आपका एफ इस डायरेक्शन में, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि दो जो हमारे पैरेलल लाइन है उनमें एक इंक्लाइंड लाइन कट करेगी तो एंगल अल्फा मिलेगा, सेम एंगल मिलेगा, ठीक है। 10 मिनट और है, अटेंडेंस लगा लेना आप। अब देखो इसके कंपोनेंट कौन से, पी के दो कंपोनेंट होंगे, पी कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा इधर आएगा, जो यहाँ पे शो कर रखा है, पी के दो कंपोनेंट होंगे, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा, कॉस देखो कॉस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो साइड एंगल से ऐड है और नोन है उसे कॉस में लिख दो, उसके अलावा जो दूसरा परपेंडिकुलर लाइन बच रहा है वो साइन में चला जाता है, तो साइन में चला गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, देखो ये पी लिखा हुआ है, पिच ऑफ द स्क्रू, देखो पिच ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना आप, पिच ये हाइट मिल रही है, देखो क्या है कि हमारा जो ये नट है, या तो ये जो हमारे पास से बोल्ट है, स्क्वायर थ्रेड है, ये वन राउंड रोटेट करेगा क्योंकि सिंगल थ्रेड है, ठीक है ना, मल्टी डबल थ्रेड नहीं है, ट्रिपल थ्रेड नहीं है इसमें, ठीक है, मल्टी स्टार्ट नहीं है, ठीक है ना, तो एक राउंड जब ये रोटेट करेगा पूरा तो कितनी हाइट ऊपर जाएगा, पी हाइट ऊपर जाएगा, तो एक राउंड रोटेट करेगा अगर इस जो थ्रेड दिया हुआ है ये वाली स्क्वायर थ्रेड, इसकी डायर डी हो, तो एक राउंड रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई डी या टू पाई आर, ये हो गया, तो कितनी हाइट ऊपर जाएगा, पी हाइट ऊपर जाएगा, तो पी हाइट ऊपर गया, तो ये ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है ना। अब ये पाई डी क्या है, लेंथ है, ध्यान रखना, लेंथ का लेंथ के साथ रिलेशन हो सकता है, ये एरिया नहीं है, ये अगर इसकी कोड आया डी दी हुई है, तो एक राउंड रोटेट करेगा ये थ्रेड, तो पी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो पी डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और एक राउंड रोटेट कर रहा है, तो इन अब ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो यही एंगल आपको अल्फा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये जो इंक्लाइंड वाला उतना ही पोर्शन जाता है, बिल्कुल सिमिलर है अल्फा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टेन अल्फा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड अपॉन पाई डी, तो सीधी सी बात, टेन की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन बेस होती है, तो ये वैल्यू इन्होंने लिख दिया, तो पिच और ये जो थ्रेड है हमारा, जो रॉड बना हुआ है, उसकी कोर डाया के बारे में रिलेशन मिल गया टेन अल्फा के टर्म में, तो इन्होंने शो कर लिया है। पिच हो गया आपको पता है, डी मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू या कोर डायमीटर ऑफ स्क्रू, ये आपको पता रहेगा, ठीक है ना। अल्फा हेलिक्स एंगल आपको पता होगा, दो फ्लैंक के बीच का एंगल या थ्रेड एंगल। पी अफर्ट अप्लाई कर रहा है, अफर्ट पी ए लोड आप लगा रहे हो, ठीक है ना, अफर्ट आप लगा रहे हो, लोड रेज करना है, लोअरिंग करना है, तो लोड रखा हुआ ऑलरेडी ऊपर ऊपर नीचे। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड नट, अब देखो स्क्रू एंड नट की बात कर रहा है, देखो घूमेगा तो यहाँ पे, सपोज करो मैंने इधर का पोर्शन बताया था, यहाँ पे कोई पोर्शन हो तो इनक्लाइंड हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, तो ये लोड जो हमारे पास ये जो लोड है हमारे पास, लोड रखा हुआ है, लोड भाई तो फ्रिक्शन तो क्रिएट करेगा क्योंकि लोड है ऑलरेडी, लोड की वजह से नीचे अफर्ट आएगा, अफर्ट आएगा तो नट नट का थ्रेड और जो बोल्ट का थ्रेड है उनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो उस फ्रिक्शन को मान लेते हैं लोड की वजह से आ रहा है, तो लोड रखते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये लोड ऊपर की तरफ जा रहा है तो, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इन्होंने शो कर रखा है, तो वही लिख रखा है इन्होंने। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो म्यू होता है टेन फाई के इक्वल होता है, फाई जो हमारे पास फ्रिक्शन एंगल है, फ्रिक्शन एंगल कैसे बनाते हैं,
देखो ये हम लाइनें खींचते हैं, देखो ये आर्यन जो है नॉर्मल आ रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच एक रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, आर्यन से जितना एंगल बनाती है ये एंगल, वो फाई एंगल, ये क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल होता है फाई, ये फ्रिक्शन एंगल फाई होता है, ये सारी चीजें, फाई क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल होता है, वो एंगल क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन एंगल, तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने। ये एंगल अल्फा के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, हेलिक्स एंगल से फाई जो है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो केस हम ऑलरेडी बाद में डिस्कस करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा। इस तरह से फ्रिक्शन एंगल हो गया, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन फाई। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको पता चल गया कैसे है। अब हम क्या करेंगे, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। अब एक चीज और आपको पता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ, तो फ्रिक्शन फोर्स है आपका म्यू आर एन के इक्वल होता है, ये नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है लोड की वजह से इधर से आ रहा है, ठीक है ना, पूरा नीचे से आता है, ठीक है ना, इस पोर्शन पे आता है, तो बाहर की तरफ सुकर रखा है, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होता है, तो इन्होंने कर रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे कुछ चीजें और लिखी हुई हैं पॉइंट्स में, सिंस द प्रिंसिपल ऑन विच स्क्रू जैक वर्क्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो वही कह रहा है कि जो स्क्रू जैक है हमारा उसका जो प्रिंसिपल है वो इंक्लाइंड प्लेन पे कोई लोड रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई लोड रखा हुआ है और ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लोड नीचे आ रहा है W, और ये एक रिएक्शन भी आ रहा है आर्यन, तो इस तरह का ही बिहेवियर होता है इसमें, वही कह रहा है जो फिगर शो कर रखा है हमने। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके डेरिवेशन, जो डेरिवेशन ये दिए हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, आता है डेरिवेशन, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। अंशुल शर्मा, अंशुल यस सर, वो समझ में आया? हाँ सर, वीडियो देखा, दिखाई दिया? हाँ सर देखा ना। क्या देखा बताओ, क्या है, पावर स्क्रू है क्या, इसका वर्क फंक्शन क्या है, फंक्शन बताओ, क्या काम करता है सर? ये रोटरी मोशन को ट्रांसलेटर मोशन में चेंज करता है सर, ये रोटरी मोशन को ट्रांसलेटर मोशन में चेंज करता है सर। हाँ, और लोड को क्या करता है, लोड को सर अपन लोड लगाते उसके कारण ये घूमता फिर ऊपर, नहीं हम घुमाते हैं तब लोड ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, इसमें उल्टा है। विठल, यस सर, विठल उमेश आवाज ही कटती रहती, हाँ बताओ क्या समझ में आया। संदीप गिरी, संदीप, संदीप, हेलो, हाँ बोलो बोलो उमेश, ओके थ्रेड, हाँ ठीक है ठीक है, संदीप से बात कर रहा हूँ मैं, संदीप संदीप गिरी सो गया क्या? हेलो, हाँ बताओ क्या पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया सर, थोड़ी सर वो वीडियो सर अटक रही थी सर आपकी, मेरी अटक रही, तुम्हारे नेट की दिक्कत है, यहाँ भी नेट की दिक्कत है, अटक रही थी क्या, थोड़ा बहुत पता चला कि नहीं चला? हाँ सर थोड़ा बहुत सर पता चला सर, वो बैंडविड्थ लो लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, कल भी क्लास होगी आपकी संडे को 10 बजे से क्लास होगी कल, ठीक है ना। कल जो पीछे का पोर्शन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बोल्टेड ज्वाइंट एक तरह से कहें कि स्क्रू फास्टेनिंग, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो लोड लग रहा है प्लेन के जो बोल्ट है उसके प्लेन के पैरेलल लग रहा है, जो बोल्ट है उसके जो उसके पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, या तो उसी के एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो उसमें न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको कल डिस्कस करेंगे 10 बजे, ठीक है ना, आधे घंटे की क्लास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल मुझे डिस्कस करना है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।